मैथमेटिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट में उसको एक एक करके रिवाइज करेंगे सो एज वी नो दैट इन फिजिक्स ऑल फिजिकल क्वान्टिटीज विच कैन बी मेजर्ड व्हाट इज द फिजिकल क्वान्टी क्वान्टिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एनी मैथड सो बाई स्केल और बाय वेट एनी थिंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑल फिजिकल क्वान्टिटीज आर डिडेड इंटू टू कैटेगरीज नंबर वन इज स्केलर एंड नंबर टू इज फैक्टर. स्केलर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन इसमें नहीं होता है फॉर एग्जांपल मास वेट डिस्टेंस एंड एनीथिंग विच डज नॉट हैव डायरेक्शन बट वैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वान्टिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी इज ऑल्सो देयर सो वेक्टर्स आर क्वांटिटीज़ इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ फॉर एग्जांपल फोर्स फोर्स हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा नाउ ए वेक्टर कैन बी नोटेड एज ए सिम्बॉल एंड ए एरोसाइन ओवर द हेड ए वेक्टर को हम लोग सिम्बॉल लिखते हैं किसी भी सिम्बॉल के फॉर्म में और उसके ऊपर में एरोसाइन देके इसको नोट करते हैं If we take the magnitude only, then this is called mod of vector a, which is vector a is equal to simple a arrow sign ko yahan remove kar denge. Now what is unit vector? If mod of a is equal to one, if mix agar magnitude hamara one aagaya, one unit me then that vector is called unit vector. Now next is what is null or zero vector? If mod of a is equal to zero, then ए इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर देन उस केस में वेक्टर ए को हम लोग कहेंगे नल या जीरो वेक्टर नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हाउ वेक्टर्स कैन बी एडेड जनरली एल्जेबरा के जो रूल्स हम लोग करते हैं वो यहाँ पे वेक्टर्स में अप्लाई नहीं होते हैं सिंपल एडिशन सिंपल सब्ट्रैक्शन ये सब यहाँ पे एड नहीं होते हैं इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल रूल है जनरली देर आर थ्री रूल्स और थ्री लॉज हम लोग भी इसको कह सकते हैं फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर सो ट्राइंगल लॉ वैक्टर ट्राइंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि वैक्टर ए का डायरेक्शन ओ से ए की ओर है वैक्टर बी का डायरेक्शन ए से बी की ओर है जो दो साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका जो थर्ड साइड होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में सी जो है वो ए और बी के सम को डिनोट करेगा सिंपली हम लोग को ये रूल फॉलो करना है कि वेक्टर, उसके ऊपर में एरो साइन और यहां क्या एक साइन, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये जो ये जो होगा ये इसका और इसके ऐड के बराबर होगा सो सी इज इक्वल टू ए प्लस

इफ द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू थीट वी कैन राइट इट है टू पी क्यू कॉस्टीटा हम लोग यहाँ पे प्रूविंग या फिर डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि ये सब आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में सभी ने देखा होगा सॉरी इलेवेंथ क्लास में लोगों ने सभी ने देखा है चाहे वो मैथ्स हो या फिजिक्स हो किसी में भी ना नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन सो पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन से इज दैट पॉलीगन मीन्स ए स्ट्रक्चर विच हैज एन नंबर ऑफ साइड्स तो अगर देर आर एन नंबर ऑफ साइड्स दे आर रिप्रजेंटेड बाई द साइड ए बी सी डी ई देन द द दी लास्ट साइड टेकन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिल गिव द सम ऑफ ऑल दिज वैक्टर्स यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ऑफ लो एक्टर भी लगा सकते हैं अगर यहाँ पे इसको करें तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए प्लस बी उसी तरह से इसको अगर हम एड uh, करें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ये एक वेक्टर हो गया और एक वेक्टर हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी इसी तरह से लास्ट वाला हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर सो पोजीशन वेक्टर इज द पॉइंट ये रिप्रेजेंटेड एज इन द

ऑरिजिन डेटा एनालिसिस में अगर देखे जाए कि अगर दो पॉइंट है ए और बी ए का पोजिशन वैक्टर है ओ ए बी का पोजिशन वैक्टर है ओ बी देन अकोर्डिंग टू ट्राइंगल ला वैक्टर एडिशन से ए बी हमारा हो जाएगा दिस हम लोग जानते जहाँ कि दो एरोन को एक साइड में डायरेक्शन में लेना है तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी सो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी सो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए उसी तरह से अगर हमको ए सी फाइन करना हो किसी भी अदर फिगर्स में जहां पे ए और सी दो पॉइंट है तो हमेशा याद रखना है कि लास्ट वाला पहले होगा सो ओ सी माइनस ओ ए होगा ये नाउ सब्रक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सो वी वी टू वेक्टर्स, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ बी दैट मीन्स अगर ये इधर हमारा ले रहे हैं तो बी के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे मॉडलस हमारा चेंज हो जाएगा सो so उसके सब्ट्रेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीफिकेशन सो इफ एम इज मल्टीप्लाइड विद वेक्टर ए सो इफ़ एम इज़ एनी नॉन जीरो स्केलर दैट इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर एम टाइम्स एम टाइम्स इसके मैग्नीट्यूड को वो इंक्रीज़ कर देगा अगर ये एम पॉजिटिव नंबर है अगर नेगेटिव नंबर होगा तो एम टाइम्स वो उसको डिक्रीज कर जाएगा फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस वैक्टर सो टू ए इज इक्वल टू तो ये इसके मैग्नीट्यूड को टू टाइम्स इंक्रीज कर देगा नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स जनरली टू वैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई टू मैटर्स नंबर वन इज स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं जिसको हम लोग ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको हम लोग ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू और डॉट प्रोडक्ट इसको डिटेल्स में देख लें सो so, अगर एक ए है और एक बी है दोनों के बीच में अगर थीटा डिग्री एंगल है सो ए डॉट बी इज डिफाइन एज ए मॉडल ऑफ ए मॉडल ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दम जिसको जनरली हम लोग ए बी कॉस है चूंकि लास्ट वाला प्रोडक्ट जो है इसमें वैक्टर क्वान्टिटी नहीं है इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वान्टिटी या स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके प्रॉपर्टीज इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बीस प्लस ए डॉट सी नेक्स्ट इज यूनिट वैक्टर्स

एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैन तो आई आई के साथ में पैरल जीरो डिग्री एंगल बनाएगा डिग्री यूनिट का यूनिटर्स इसका 1, ये मॉडल जीरो डिग्री वन सो वन सो आई डॉट आई सिमिलरली जे डॉट जे के डॉट के सबका वैल्यू क्या हो जाएगा ये वन हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाकी डेरिवेशन में काफी यूज होते हैं ये सिमिलरली आई डॉट जे इज इक्वल टू मॉडल ऑफ आई मॉडल ऑफ जे आई जे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा नाइनटी डिग्री सो डिग्री डिग्री और 90 हम लोग जानते हैं जीरो जीरो होता है सो आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो सो ऑल द्वानी सबका वैल्यू हमारा क्या होगा सबका वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा नाउ रिजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर ए अलोंग द थ्री डायमेंशनल एक्सिस किसी किसी वैक्टर को हम लोग थ्री एक्सिस में कैसे रिजोल्व करते हैं जनरली इफ ए इज वेक्टर ए हु इज एक्सिस इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जे में ए वन जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ए टू जो है वाई एक्सिस के अला है और ए थ्री जो है जेड एक्सिस के अलांग है तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के सिमिलरली यहाँ पे अगर यूनिट वैक्टर के फॉर्म में किसी वैक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट वैक्टर इज इक्वल टू ये को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए और उसके डायरेक्शन में जो वेक, यूनिट वेक्टर तो जनरली अगर हम लोग मान लेते हैं आई कैप जे कैप के बारे में पता नहीं है सो इसको हम लोग ले लेते हैं डिवाइडेड कैप, सो इफ ए इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बी इज इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के और इस दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेने जाए तो ऑब्वियसली ऑबियसली नो दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू वन जे डॉट जे इज इक्वल टू वन के डॉट के इज इक्वल टू वन बाकी सारे जीरो होते हैं सो so, इसका रिजल्ट हो जाएगा ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम में डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट नंबर टू इज वैक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम साइन थीटा एंड द एंड कैप वट इज एंड कैप एंड कैप इज द यूनिट वैक्टर विच इज परपेन्डिकुलर टू बोथ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर प्रोडक्ट सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ये इसके बराबर नहीं होता है जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा था जनरली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस और बी क्रॉस ए क्योंकि यह वैक्टर है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इसका वैल्यू हमारा नेगेटिव में आ जाएगा उस तरह से ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में आई क्रॉस आई सो मॉडलर्स ऑफ आई मॉडल ऑफ आई आई के साथ आई का एंगल साइन जीरो डिग्री एंड द यूनिट वेक्टर कोई भी एक यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं रैंडम जे विच इज़ परपेंडिकुलर टू आई सो जे लेकिन साइन जीरो डिग्री जो है वो हमारा जीरो होता है सो इसका वैल्यू जीरो इसलिए बाकी सारे टर्म्स जे डॉट जे के डॉट के क्रॉस के सॉरी जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के का वैल्यू जो होगा क्या होगा जीरो होगा सिमिलरली

जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे बट अगर इसके ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर दें तो बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे बस ये ऑर्डर हमको याद रखना है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे लेकिन ऑर्डर अगर उल्टा हो जाएगा तो सब नेगेटिव हो जाएंगे

प्लस के ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन नाउ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेंगे सो so, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी क्रॉस सी विच इज इन द बिग ब्रैकेट ए बी सी इसका वैल्यू सेम यही होता है इसका प्रॉपर्टीज है कि ए अगर ऑर्डर हमारा टेकन इन सेम ऑर्डर है, है तो सेम डायरेक्शन so, में से कोई दो वैल्यू बराबर हो जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा एंड इन फिजिकली ए बी सी रिप्रेजेंट दॉल्यूम ऑफ दर्पलो नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी ए डॉट बी इंटू सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए ये हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इसके एप्लीकेशन को देखा है इसके डिटेल्स जो है वो मैथ्स में अवेलेबल है, है किसी भी बुक्स में इसको देखा जा सकता है नाउ नेक्स्ट इज वैक्टर डिफ्रेंसिएशन जैसे हम लोग सिंपल कोई भी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं उस तरह से वैक्टर को भी डिफ्रेंसिएट कर सकते हैं सो वक्टर डिफ्रेंसियन इफ आर इज इक्वल टू फंक्शन टू लिमिटा टी टेंस टू जीरोस लेफ्टेटिव सुड भी इक्वल टू राइट हैंड डेवेटिव ना वॉट आर द रूल्स ऑफर डिफ्रेंशियस सो वैक्टर डिफ्रेंसिएशन में हमारे डिफरेंट रूल्स हैं क्वल टू डी ए बाई डी टी प्लस माइनस डी बी बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट डी बी बाई डीटी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट बी डी बाई डी टी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस ऑर्डर को हमको चेंज यहां इसमें नहीं करना है ए क्रॉस डी बी बाई डीटी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी डी बाई डी टी ऑफ फाई इन टू ए वेर फाई इज ए स्केलर then phi dA by dt, where phi is a by where is scalar. नेक्स्ट uh, कुछ टॉपिक्स को मैथमेटिकल फेज के टॉपिक्स को समझने के लिए हमें पार्शियल डिफेंसन भी क्लियर होना जरूरी है सो इफ इज एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों के कॉम्बिनेशन का हो तो उस केस में डू एफ बाई डू एक्स जो है इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफेंसिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट विच इज रिटर्न एज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मतलब इसमें सिर्फ एक्स के टर्म को डिफेंश करेंगे बाकी टर्म्स को डिफेंशिएट नहीं करेंगे बाकी टर्म्स जो है वो कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे सो इट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स वाई जेड डिवाइड बाई डेल्टा एक्स सिमरीपेक्ट कीट उसी तरह से तो डो टू एफ बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डो बाई डो एक्स डो एफ बाई डो एक्स डो टू एफ डो एक्स डोवाई को हम लोग लिख सकते हैं डो बाई डो एक्स ऑफ डो एफ डो वाई इसको हम लोग प्रॉब्लम्स में भी अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे एंड नंबर सिक्स इज डो टू एफ डो एक्स डो वाई अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें दोनों का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम लेके सॉल्व करेंगे कि तो चूंकि x वाले में हमको सिर्फ x डिफेंशिएट करना है y और z कांस्टेंट है तो पहले वाले में y और z को बाहर निकाल लिए तो y और z बाहर हो गया एक्स स्क्वायर का डिफेंशिएशन टू एक्स यहाँ पर जेड कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफेंशिएशन टू एक्स जेड जेड क्यों चूंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया x का टर्म यहाँ पे नहीं है तो इसका डिफेंसिएशन हो गया ज़ीरो ना डो एफ बाई डो वाई तो y को अगर डिफेंशिएट करेंगे तो हो गया वन और एक्स स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट यहाँ वाई का टर्म नहीं है तो ये जीरो ये भी जीरो डो एफ बाई डो जेड इज इक्वल टू जेड के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो जेड का डिफेंसियेशन यहाँ वन एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट यहाँ जेड का डिफेंसिएशन वन एक्स स्क्वायर और यहाँ जेड क्यू का डिफरेंसिएशन थ्री जेड स्क्वायर तो इस तरह से हम लोग पार्सल डिफेंसियशन को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं इफ वेक्टर ए इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड डी ए टोटल डिफेंसिएशन कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ पार्सल डिफेंसिएशन दैट इज डो ए बाई डो एक्स डी एक्स डो ए बाई डो वाई डी वाई डूए बाई डूज डिजेट सो ये हमारे बेसिक्स थे वैक्टर्स के बारे में और वैक्टर डिफेंसिएशन और पार्शल डिफेंसीशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल uh, फिजिक्स के जिसमें हम लोग देखेंगे वाट इज स्केलर फील्ड वाट इज वैक्टर फील्ड एंड कुछ टर्म्स और डिफाइन करेंगे डेल ऑपरेटर ग्रेडियंट उसके बाद डाइवर्जेंस कर्ल ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे